दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कुबुत कुसुम में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो है मकई का जो है चाट बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा सामान ले लिया हुआ है, लेकिन मैं जो है बनाने से पहले, रेसिपी बताने से पहले, मैं जो है आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मकई, तो मकई उबली हुई है मकई, तो इसको लिया है। और एक जो है छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ है, एक बारीक कटी हुई प्याज लिया है, यहाँ पे चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने जो है कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, नमक और नींबू लिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा झरने के लिए धनिया लिया हुआ है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। जो है हम पहले प्याज डाल देते हैं, तो प्याज जो है आपको, अगर प्याज नहीं खाते हैं तो इसको जो है स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ टमाटर भी डाल देते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ जो है चाट मसाला है, तो इसको भी डाल देते हैं। और नमक जो है चाट मसाला में भी जो है नमक पड़ा हुआ है, तो नमक जो है थोड़ा ही डालेंगे उस हिसाब से। इसमें हम जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। वैसे बहुत चटपटा बन के तैयार होता है, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पे हम डालेंगे जो है नींबू, तो नींबू को हम ऐसे निचोड़ देंगे। हमने डाल दिया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें और हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया कटी हुई, हरी धनिया। तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, और मकई तो सबको पसंद आती है, तो जो एकदम बाज़ार वाली जैसे लग रहा है, ठेले पे बिकता है जो। इसको ये बन के तैयार है, फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो देखिए जो है एकदम फटाफट बन के रेडी हो गया है। तो मैंने निकाल लिया है जो है कटोरी में, तो एकदम लग रहा है ना पूरा कि देखने में भी टेस्टी होगा। तो बनाइएगा और खाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।